मैं हूं सानिया इदरीसी, आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंबई पुलिस ने मालवनी इलाके से दो अवैध बांग्लादेशी को गिरफ्तार किया है। इन दोनों पर ही CDR की जांच चल रही है। दोनों आरोपी एजेंट की मदद से सरहद पार करके मुंबई पहुंचे थे और कई दिनों से अंधेरी इलाके में रह रहे थे। इन लोगों पर जांच के दौरान पता लगाया जा रहा है कि पिछले 1.5 महीने से ये किन किन के संपर्क में थे। साथ ही पुलिस का कहना है कि ये दोनों फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाना चाहते थे, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने इन दोनों को दबोच लिया है। मालवनी पुलिस ने दो बांग्लादेशी नागरिकों को हिरासत में लिया है। ये दोनों बांग्लादेशी नागरिक 1.5 महीने से भारत में अवैध रीत्या प्रवेश कर रह रहे थे। इनकी जानकारी हमें हमारे सूत्रों से मिली, उसके बाद हमने इनको ताबे में लिया। पूछताछ के बाद ये बांग्लादेशी नागरिक है, ये कंफर्म होने के बाद उनके ऊपर केस रजिस्टर कर लिए। ये कब से रह रहे थे, क्या इनका CDR चेक किया गया, क्या किन किन से मिल रहे थे, क्या जानकारी सामने आई है? पूछताछ में एक के पास मोबाइल फोन मिला है, उसके मोबाइल फोन का CDR हम निकाल कर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि ये किसके जरिए भारत में आया है, फिर ये भारत में किन लोगों से मिलता है, किन लोगों से बातचीत करता है, ये सारी चीजों के लिए हमारी तफ्तीश जारी है। ये मुंबई में कहाँ रह रहे थे और क्या फर्जी दस्तावेज बनाने की कोशिश कर रहे थे? हाँ, ये फर्जी दस्तावेज बनाने की कोशिश में थे, लेकिन उससे पहले सूत्रों से जानकारी मिलने के बाद हमने इनको दबोच लिया है। ये 1.5 महीने से अंधेरी वेस्ट में गिल्बर्ट हिल परिसर में रह रहे थे। ये काफी बड़े संख्या में बड़े लोगों को सस्ते लेबर के चक्कर में कई लोग भारतीय जो है इन्हें काम पर रख लेते हैं। आप आम लोगों से क्या अपील करेंगे? आम लोगों से यही अपील है कि जितने भी कंस्ट्रक्शन साइड है वहाँ पर ये ज्यादातर लेबर बोल के काम करते हैं, तो वहाँ पर लेबर रखते वक्त, होटल्स में काम करते वक्त, घर काम करते वक्त या किसी भी कारखाने में काम करते वक्त लोगों ने उस नागरिक की पहचान, आधार कार्ड, ये सारी चीजें वेरीफाई करनी चाहिए, उसी के बाद उसको काम देना चाहिए। घर भाड़े से देते वक्त भी लोगों ने अपने, हम जिसको घर दे रहे हैं उसके बारे में उसकी डिटेल्स लेनी चाहिए और वो डिटेल्स पुलिस स्टेशन में देनी चाहिए।